टाइटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, कास्ट एंड ट्राइब कंटिन्यूम यानी सातत्य इत्यादि अवधारणाओं को अध्ययन करके विकसित किया। इन अनेक मानव शास्त्रियों ने समय समय पर नए नए विषय का अध्ययन करके नई नई अवधारणाओं को जन्म दिया। उन्हीं अवधारणाओं में से कुछ कास्ट से संबंधित, जातियों से संबंधित, कुछ जनजातियों से संबंधित, कुछ जाति और जनजाति दोनों से संबंधित अवधारणाएं थी। और उन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा है पवित्र परिसर यानी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की। ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है? मानव शास्त्रीय अध्ययनों के माध्यम से एलपी विद्यार्थी ने पवित्र परिसर की अवधारणा अपनी प्रमुख पुस्तक द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया में प्रस्तुत किया। विद्यार्थी शिकागो स्कूल के समर्थक थे। परंपरागत क्षेत्रों यानी ट्रेडिशनल जो एरियाज थे उनका सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और उनके महत्व को दर्शाने का प्रयास किया। तो जब वे अध्ययन कर रहे थे गया में, तो गया एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जैसे हम कई बार बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन के लिए वहां आते हैं। वैसे तो हरिद्वार में, पूरे हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, लेकिन जब यह पवित्र कार्य करना होता है तो वहां एक ही स्थल है और वह हर की पौड़ी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम हर की पौड़ी पर ही अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करें, तो वह उसका अपना एक महत्व है। इसी तरह बौद्ध गया, जिसे हिंदू गया का नाम दिया एलपी विद्यार्थी ने, वो कहते हैं कि वह एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे सेक्रेट कॉम्प्लेक्स कहा है। वहां पर व्यक्ति उस प्रकार की क्रियाएं संपादित करना चाहता है जो उनके धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई है, और उस प्रकार के कृत्य का संपादन करना चाहता है जिससे उनको एक मन की शांति प्राप्त हो। तो इस तरह का जो नया रूप एलपी विद्यार्थी ने अध्ययन करके प्रस्तुत किया, जो मानव शास्त्रीय अवधारणाओं में एक प्रमुख अवधारणा मानी जाती है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स की। पवित्र और पारंपरिक हिंदू गया के अध्ययन के साथ पवित्र परिसर की अवधारणा मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रकाश में आई। मैकी मेरियट ने भारतीय सभ्यता के एकीकरण के चैनलों का अध्ययन किया और एक नया कंसेप्ट दिया, नेटवर्क और केंद्र की अवधारणा, नेटवर्क एंड सेंटर, सेंटर एंड नेटवर्क, जिसमें उन्होंने समान विषय पर वैचारिक रूप से चर्चा की। यानी इसी तरह का मैकी मेरियट का भी अध्ययन है। मैकी मेरियट के साथ मिल्टन सिंगर है, ऑस्कर लेविस, ऐसे बहुत सारे मानव शास्त्री थे जिन्होंने सिविलाइजेशन सभ्यता का अध्ययन करके इस तरह की अवधारणाओं को मानव शास्त्रीय साहित्य में विकसित किया जो उनके नाम से पहचानी जाती है। तब से पवित्र परिसर और नेटवर्क और केंद्र की अवधारणाएं भारतीय सभ्यता के एक आयाम के रूप में भारत में पारंपरिक धार्मिक स्थलों और भारत में सरल समाजों के धार्मिक परिसर के अध्ययन के लिए बहुत लोकप्रिय सैद्धांतिक मॉडल बन गई। एक पवित्र परिसर, पवित्र केंद्रों, पवित्र कृत्य और पवित्र विशेषज्ञों का एक जटिल और अन्योन्याश्रित समूह है। यानी इस तरह की जो अवधारणाएं मानव शास्त्र में विकसित हुई वे हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए व्यक्ति उन धार्मिक स्थलों पर जाता है, उस प्रकार के धार्मिक क्रिया और कर्मकांड करता है जिससे कि उसको मन की शांति मिले, और ऐसा विश्वास है कि इस तरह के कृत्य करने से हमें धार्मिक भावनाओं को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। इसी सोच को लेकर एलपी विद्यार्थी ने यह नई अवधारणा सेक्रेट कॉम्प्लेक्स मानव शास्त्र में विकसित की। विधि पूर्वक पवित्र परिसर का अध्ययन सांस्कृतिक संचरण के चैनलों को उजागर करता है जो सभ्यता के एकीकरण में मदद करता है। यानी भारत के अलग अलग लोग जिनकी अलग अलग सभ्यताएं हैं, जिनकी अलग अलग संस्कृति है, लेकिन उस स्थान पर आकर वो एकीकृत होते हैं। यानी उन सबके मन में एक ही भावना है और वो भावना है धार्मिक भावना। इसलिए वो कहते हैं भारतीय सभ्यता का अगर अध्ययन करना हो तो हमें ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाकर अध्ययन करना होगा जिससे कि हम पूरे भारत की सभ्यता और उस सभ्यता के एकीकरण को समझ सकें। इसमें विभिन्न प्रकार के लोगों और परंपराओं, जातियों और संप्रदायों, वर्गों और परिस्थितियों के लोगों के मिलन स्थल को प्रदान करके एक एकीकृत भूमिका निभाई है। यह रचनात्मक कला और साहित्य का विकास और संवर्धन भी करता है
और आदर्श प्रकार यानी आइडियल टाइप को भी संरक्षित करने में मदद करता है, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जब लोग आते हैं तो उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग सभ्यता होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनकी अलग अलग जातियां होती हैं, उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग वर्ग होते हैं, लेकिन वहां पर आकर वो सब एक हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन इंटीग्रेशन, सभ्यता का एकीकरण, जो हमें ऐसे पवित्र परिसर में देखने को मिलता है। विद्यार्थी कहते हैं कि मैंने पवित्र शब्द की परिभाषा रेडफील्ड से ली है। हालांकि दुर्खीम ने भी पवित्र और सामान्य शब्द की व्याख्या की, परंतु वह मुझे उचित नहीं लगा और उसके स्थान पर रेडफील्ड के द्वारा बताए गए पवित्र शब्द की सही परिभाषा मैंने यहाँ पर काम में ली है। मैंने यथासंभव पवित्र और धर्म निरपेक्षता के बीच के अंतर को बनाए रखने की भी कोशिश की। जब दुर्खीम की बात करते हैं, दुर्खीम सेक्रेड और प्रोफेन दो शब्द की बात करते हैं। सेक्रेड वो कहते हैं पवित्र, और सामान्य जिसे प्रोफेन कहते हैं। तो दो प्रकार की सोच से पवित्र और सामान्य की बात कही, लेकिन रेडफील्ड ने जब अध्ययन किए और रेडफील्ड ने मैक्सिकन चामकोम की स्टडी की, तो वहाँ पर उसने जो धार्मिक शब्द को सेक्रेड रूप में परिभाषित किया, यहाँ पर एलपी विद्यार्थी ने उसी शब्द को काम में लेकर, लेकिन साथ में सेकुलराइजेशन को अलग करते हुए, पवित्र यानी सेक्रेड और सेकुलराइजेशन धर्म निरपेक्ष दोनों शब्दों को अलग रखा है, और उसी के आधार पर उसने इस नए अवधारणा को विश्लेषित किया। विद्यार्थी ने पवित्र और महान पारंपरिक हिंदू गया का अध्ययन किया और तीन विश्लेषणात्मक अवधारणाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसमें पहला है पवित्र भूगोल, सेक्रेड ज्योग्राफी, पवित्र कृत्य का एक सेट यानी सेक्रेड परफॉर्मेंस, पवित्र विशेषज्ञों का एक समूह, ए ग्रुप ऑफ सेक्रेड स्पेशलिस्ट, जिसको हम धर्मगुरु कहते हैं, या वे लोग जो पुरोहित हैं जो धार्मिक कर्मकांड करने के विशेषज्ञ हैं। तो पहला जो शब्द है पवित्र भूगोल यानी सेक्रेड ज्योग्राफी, एक निश्चित स्थान होता है उस स्थल पर जहां पर लोग धार्मिक कृत्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं। विद्यार्थी ने कहा, मैंने गया के पवित्र भूगोल की कड़ाई से एक समकालीन स्तर पर जांच करने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने तथ्य को इस तरह व्यवस्थित किया है जो तीर्थ यात्रा के स्थान पर पवित्र केंद्रों के विकास और विस्तार की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है। फिर पवित्र स्नान के लिए निर्धारित दिनों में जब लोग फागु विष्णुपद में डुबकी लगाने आते हैं तो पवित्र केंद्र विशेष रूप से क्षेत्रीय क्षेत्रों के भक्तों द्वारा भीड़ हो जाती है, और जब पितरों के पखवाड़े की पवित्र अवधि शुरू हो जाती है तो पूरे भारत के उपासकों और बलिदानियों की भीड़ को स्थानीय और राज्य प्रशासन दोनों द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता होती है। यानी विशेष अवसर जब आते हैं, और हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष जो 15 दिन का आता है उसमें बहुत सारे लोग उन स्थलों पर जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र हैं